नमस्कार दोस्तों, एक अच्छी किताब हजारों मित्रों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा मित्र पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता का राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 16 जनवरी दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चुनाव साफ्ता रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, तो दोस्तों आई शुरू आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आई शुरू आकर संपूर्ण राशि बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय श्री राम लिखें, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 16 जनवरी 2024 दिन मंगलवार, आज की तिथि छठी, आज का नक्षत्र उत्तरावाद पद नक्षत्र, पक्ष चल रहा शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:15 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:46 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है दोपहर 12:09 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। दोस्तों आज आपको शुभ कर करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 9:21 से सुबह 10:03 तक रहेगा। दोस्तों आज आपका लकी नंबर 6 और शुभ रंग है फिरोजी और पर्पल। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि खुशनुमा जिंदगी के लिए अपना जिद्दी और अडर रवैया दरकिनार करें, क्योंकि इससे सिर्फ समय की बर्बादी होती है और कुछ नहीं। निवेश के लिए अच्छा दिन है, लेकिन उचित सलाह से निवेश करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नए पारिवारिक व्यवसाय को शुरू करने के लिए दिन शुभ रहेगा, इसे सफल बनाने के लिए दूसरे सदस्यों से भी आप मदद लें तो आपके लिए अच्छा होगा। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेमी पूरी तरह खिलेगा, दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की आपकी क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। यह दिन आपके जीवन साथी के रोमांच पहलू को भरपूर तरीके से दिखाएगा। अपनों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन उनका ख्याल रखते रखते अपनी सेहत ना बिगाड़ लें, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक मेल जोल से ज़्यादा सेहत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। माली सुधार की वजह से जरूरी खरीदारी करना आसान रहेगा। अगर आप हर किसी की मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे, यानी हर किसी का काम आप ही करेंगे, तो सिर्फ नाकामी आपके हाथ लगेगी और कुछ नहीं। आज आप अपने जीवन की परेशानियों को अपने संगी से साझा करना चाहेंगे, लेकिन वो अपनी परेशानियों के बारे में आपको बता के आपको और ज़्यादा परेशान कर देंगे। आज खाली वक्त का सही उपयोग करने के लिए आप अपने पुराने मित्रों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नए अंदाज करेंगे तो आपको बुरा लग सकता है, इसलिए आप उनसे जो भी कहें जरा सोच समझ कर कहें। साथ ही दोस्तों अगर आज के काम को आप कल पर टाल रहे हैं तो कल आपको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों हो सकता है कि आज किसी से वाद विवाद होना आपको अच्छे स्वभाव को खराब कर सकता है, इसलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें और समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करते हुए उनके अनुभवों से आप कुछ सीख लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपके जीवन में कई सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आपको इस बात को समझना होगा कि आज कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास हैं। संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर देंगे जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो, इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। आपकी राशि के ग्रहों सितारे की अनुकूल स्थिति के कारण आज आपके परिवार में शांति बनी रहेगी, लेकिन हो सकता है कि किसी छोटी सी बात पर आपकी किसी से हल्की कानासुनी हो सकती है। साथ ही दोस्तों आज ऐसे में यदि धन को लेकर कुछ समस्याएं थी तो वो पूरी तरह दूर हो सकती हैं। इस समय आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद पाने में सफल रहेंगे, जिससे आपको अपनी किसी समस्या से निजात मिल सकेगी। आज आप अपने ऊपर एक से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर काम का बोझ पड़ सकता है। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही आप एक भी कार्यों को समय पर पूरा करने में आप खुद को असफल महसूस करेंगे। साथ ही साथ अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो जो वो छात्र हैं जो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं,
तो उनकी बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी। बाकी उसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत आ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की गतिविधियों पर आपको ध्यान रखने की अति आवश्यकता है, क्योंकि उनके कुछ गलत आदतों या संगत उन्हें परेशानी में डाल सकती है। उन्हें सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रखना अति आवश्यक है, जो उनके भविष्य के लिए काफ़ी फायदे में साबित रहेगी, जो उनके आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आप हाल फिलहाल अपने जीवन में हर तरह के संबंधों को लेकर लापरवाह रहे हैं, लेकिन आपको समय रहते इनमें आगे दूरी को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपके पार्टनर ने आपके मुश्किल समय में आपका काफ़ी साथ दिया है, लेकिन आप उसी उत्साह से उनका साथ नहीं दे पाए हैं। केवल अपने साथी की कमियां ढूंढने में आप ना लगे रहें। आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि उन्होंने आपके लिए खुद में कितना सुधार कर लिया है। साथ ही साथ दोस्तों, आज का दिन पुरानी बातों को दफन करने का समय है, क्योंकि यथार्थवादी प्रभाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे। नई शुरुआत सभी मोर्चों का संकट दे सकते हैं। अगर आप एक दूसरे को प्यार करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपके जीवन में एक नए अपनेपन की शुरुआत होगी। आपको ये पहचान करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ आपको पीछे की तरफ धकेल रही थी, ताकि आप उसे छोड़कर आगे की तरफ अपनी ज़िंदगी को ले जा सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, मौसम के चलते आज आपको हल्की सर्दी व जुकाम रह सकता है, और आपको सिर दर्द या गले में दिक्कत रह सकती है। और वैसे आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु फिर भी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखना आपके लिए अति आवश्यक है। इसके लिए आपको अपने खान पान का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य को और भी अत्यधिक रखना चाहते हैं तो आप रोजाना योगा व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।